अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस की वैक्सीन सीरीज़ में आज हम बात करेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो वैक्सीन बनाई, जिसको जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ आस्ट्रा ज़ेनेका एक कंपनी है, वो भी मिलके इस पे काम कर रही है, और इस वैक्सीन का नाम है AZD1222। ये वैक्सीन दूसरी वैक्सीन से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि इससे पहले जो हमने बताया है आपको मुख्तलिफ अप्रोचेस का, कि जिसमें डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वायरसेस को अटेनुएट किया जाता है, या सब यूनिट वैक्सीन बनाई जाती है जिसमें रिकम्बिनेंट वैक्सीन प्रोटीन होती है, जिसे एज ए वैक्सीन यूज़ या मैसेंजर आरएनए को एज ए वैक्सीन यूज़ किया जाए। इसमें टोटली डिफरेंट अप्रोच है, जिसमें एक वायरस को लिया जाता है विच इज़ एडीनो वायरस। एडीनो वायरस जो है वो इन्फेक्शन काज नहीं करता, तो इसमें जो डीएनए होता है स्पाइक प्रोटीन का, वो एडीनो वायरस में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, और जब ये ह्यूमन सेल्स को इन्फेक्ट करता है तो इसका मैसेंजर आरएनए बनता है, और मैसेंजर आरएनए से स्पाइक प्रोटीन बनती है, जिसको बॉडी रिस्पॉन्ड करती है और एंटीबॉडीज़ जो है उसके अगेंस्ट बनना शुरू हो जाती है। तो इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो उसका जो स्पाइक प्रोटीन को इनकोड करता है, वो एक सेव वायरस में डाल के बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि वो स्पाइक प्रोटीन बनाए और उसके अगेंस्ट जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड दे। इस ये एक वैक्सीन है जिस पे बहुत जल्दी ट्रायल्स कंप्लीट हुए। इसकी एफिकेसी के हवाले से देखा जाए, जो इंटरनेशनली मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ट्रायल्स हुए हैं, तो इसकी एफिकेसी जो है दैट इज़ अराउंड 82%, विच इज़ क्वाइट गुड। अगर इस का कंपैरिजन किया जाए बहुत सारी दीगर वैक्सीन्स से, तो इसकी जो डोजिंग है, कितनी डोजेज चाहिए, इसकी भी जो है वो दो डोजेज चाहिए होती हैं, एक ज़ीरो डे पे और एक बूस्टर डोज चाहिए होती है, जो कि 3 महीने बाद यानी 12 वीक्स के बाद जो है वो लगाई जाती है। इसकी स्टोरेज के हवाले से यूँ है, क्योंकि ये वायरस में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो इसे भी 2 से 8 डिग्रीज यानी जो घरों में हम यूज़ करते हैं, फ्रिज या जो है उसमें भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं फॉर अप टू 6 मंथ्स। तो ये क्वाइट स्टेबल होती है, क्योंकि ये वायरस में जो है वो इनकॉर्पोरेट किया हुआ होता है कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन का डीएनए। तो ये है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की और एस्ट्राजेनेका जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसकी कंबाइंड वैक्सीन का तारफ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कमेंट्स हो तो आप श्योरली हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनको आंसर करने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।